दाखिला अमित शाह का मुजवजा दौरा जो मुखर दौरे की नई तारीख के बाद होगा। नई तारीख का तयन मौजूदा खराब मौसमी हालात और मौसम से मुतल्लिक पेशेंगोई के पेश नजर मुखर कर दिया गया है प्रोग्राम। राम सबका है, राम के नाम पर की जाएगी वोट लेने की कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा तमाम लोगों को साथ लेकर ही तरक्की करेगा मुल्क। बिजली की आउटसोर्सिंग पर भी उठाए सवाल, कहा शेख अब्दुल्ला की वजह से ही बना जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा। मोदी हुकूमत ने 10 सालों में कायम किए हैं कई रिकॉर्ड, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा बदलते हिंदुस्तान में अफसरान पहुंच रहे हैं अवाम की दहलीज पर, नजरअंदाज किए गए तबकों तक भी पहुंच रहा है मरकज की स्कीमों का फायदा। लोकसभा हलकों के कांग्रेस के कोऑर्डिनेटरों की फहरिस्त जारी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी ऐलान। रविंद्र शर्मा ने कहा बड़ी जिम्मेदारी की गई है, आयद सीटों की तमाम इंतखाबी सरगर्मियों की करनी होती है देखभाल। हुकूमत कई पेचीदा यार्ड स्टिक्स लगाकर तीली हुई छोटे स्कूलों को बंद करने पर, जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का बयान, हालिया हुक्मनामों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इनकार। बटवालो श्रीनगर के सब्जी मंडी इलाके में आग, एक गोडाउन में लगी है आग, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख। मुतासरी ने कहा संडे मार्केट के लिए था ये माल, 70 लाख रुपए मालियत के नुकसान की कही बात। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शोपियां को मिला बड़ा एजाज, एग्रीकल्चर शोबे में उभर कर आया दूसरा रनन अप। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने किया इजहार मसरत, कहा पूरी वादी में सेब की सनत के लिए काबिल फख्र लम्हा। कश्मीर को एक माह से जायद अरसे से खुश्क मौसम का सामना, 18 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के इम्कान कम, माहरी ने दिया मौसम के अंदाज में तब्दीली करार। मौसम खुश्क रहने से पैदा हो रही है कई मुश्किलात, कई आबी जखायर में हो गई पानी की सतह काफी कम, सूखने लगे हैं कई अहम चश्मे, पैदा हो रही है पानी की किल्लत। बागा श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 18 साल फुटबॉलर सलीम हमीर की उड़ान, कश्मीर प्रीमियर लीग में अच्छी कारकर्दगी के बाद कौमी टीम की नुमाइंदगी और इंडियन सुपर लीग में खेलने का ख्वाब, नौजवानों से लगन मेहनत और जज्बे से ख्वाबों का ताकुब करने और मंशिया से बचने की अपील। वादी की खवातीन में भी बढ़ रहा है खुद रोजगारी का रुझान, श्रीनगर की मिस्टर सुबहान है एक मिसाल, मुतादिल खवातीन के लिए भी किया है रोजगार का इंतजाम, बड़े ख्वाब देखने और बुलंदियों को छूने की दे रही है तरकीब। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 के लिए मुआहदा, भारत से होंगे 1,75,025 आजमीन हज रवाना, हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाएंगे 1,40,020 आजमीन, हज ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए होगी 35,005 आजमीन की रवानगी।